मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक ब्लॉग का मैंने एंड कर दिया, तो मैंने कहा चलो दूसरे ब्लॉग का ये स्टार्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग नहीं स्टार्ट करती हूँ तो फिर स्टार्ट भी नहीं कर पाती हूँ, मेरा ब्लॉग ऐसे ही रह जाता। तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग का स्टार्ट कर देती हूँ। और आज है 24 दिसंबर, अभी मैंने एक ब्लॉग का एंड किया है, ये दूसरा ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है। मैंने दूध लेकर आई हूँ, दूध लेकर जा रही थी तभी मैंने ब्लॉग का एंड किया था। अब दूध लेकर आ गई हूँ, तो दूध तो गर्म हो रहा है ये देखो, और अब जा रही हूँ मिट्टी को मैं नहलाने के लिए। ये देखो दूध मेरा गर्म कर देती हूँ, तो अब जा रही हूँ मैं मिट्टी को नहलाने, क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। और पानी पता है कि ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फिर मिक्स करो मैच करो कि ज़्यादा गर्म हो जाता है मिट्टी को, मैं समझ में नहीं आता ना कितना गर्म डालूँ कितना ठंडा। अब वैसे तो आइडिया हो चुका है, बट फिर भी ये होता है ना कि थोड़ा नॉर्मल रहने तो ठीक रहता है। टावल से खेलने में भी लगी हैं यहाँ पर, है ना मिट्टी? पूजा पाठ कर चुकी हैं ये अपने डैडा के साथ में, क्योंकि इनकी पूजा डैडा के साथ सुबह सुबह हो जाती है। वो देखो जेनी वहाँ पर देख रही है हम लोगों को। दूध में चढ़ा कर आ गई हूँ नीचे, जब तक मैं इनको नहलाऊँगी तब हो जाएगा। और मेरे हेयर तो पूरे हो चुके हैं, सूख चुके हैं, तो अपने हेयर में लगा लेती हूँ मैं क्लचर, क्योंकि नहलाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। पता है नहलाती हूँ ना तो झुकना पड़ता है, तो इससे बाल ना पूरे आगे आते हैं, फिर मुझे बहुत इरीटेट हो, मैं बहुत इरीटेट हो जाती हूँ इसलिए। देखिए ये कर लिया, हवा चल रही है यार, आज मिट्टी को जल्दी से नहला दूँ, पता है हवा बहुत तेज चल रही है। चलो मिट्टी नहला लो, चल के नहा लो, चल कर। क्या ये है? वो भूत जिससे सभी लोग डरते हैं, है ना? भूत, एक ऐसा भूत जिससे सब लोग डरेंगे रोने से इसके, है ना मिट्टी? चलो चले आओ, देखो हवा कितनी जोर चल रही है, ये देखो कितनी जोर हवा चल रही है। कपड़े भी मुझे फैलाने हैं अभी, आ जाओ आ जाओ। लो फ्लेम पे चढ़ा दिया है मैंने, क्योंकि पता है लो फ्लेम पे इसलिए चढ़ाया है कि जल्दी गिरने लग जाए। मिट्टी आ जाओ बाबू, चलो नहा लो, चल के चलो नहा लो, चल कर चलो जल्दी से। और कपड़े फैलाने भी सुखाने भी टाइम हो जाएगा, पानी बहुत गर्म हो गया है। ये देखो मिट्टी ने, मिट्टी चलो बेटा क्लोथ्स पहनो, चल के सर्दी हो रही है, चलो क्रीम लगवा लो। देखो धूप में कैसे धूप में सुखा रही है इनको, देखो। चलो नीचे आओ, नीचे चलो। है स्माइल, चलो आ चले नीचे। कपड़े मेरे फैल चुके हैं, कपड़े मेरे फैल चुके हैं, दूध भी गर्म हो चुका है, अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। बज रहा है 12:15, तो हमारे वहाँ बजे हम लोग जा रहे हैं आज खाना खाने। खाना खाने का टाइम हो गया है, हाँ
होने वाला बज रहा है यार, थक गई हूँ सारे काम करते करते। जैनी अंदर से भौंक रही है। सो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस मैं निकल रही हूँ। मिट्टी पहुँच चुकी है गाड़ी में, सिर्फ जैनी और मैं बचे हैं। हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से जाने के लिए, तो चलो निकलते हैं, गाड़ी में मिलते हैं आप लोगों से। ओके, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा मेरी, और मैं रेडी तो पूरी तरह से हो गई हूँ, सिर्फ निकलना बाकी रह गया। चलो निकलते हैं। ये देखो हम लोग रेडी हो चुके हैं और बस निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ गई हूँ। वो देखो जैनी पीछे बैठ गई है, मिट्टी आगे बैठ गई है, उनका फोटो सेशन चल रहा है। वो देखो फोन में कैमरा लगा है, ये फोटो खींच रहे हैं। यहाँ चलो चले मिट्टी, चले हम लोग। आप पिलर नंबर वन, ये देखो पिलर नंबर वन, पिलर नंबर टू, ऊपर मेट्रो चलती है, मेट्रो। हाँ ऊपर मेट्रो चलती है, मेट्रो। अब ये मेट्रो लगती है, ऊपर मेट्रो चल रही थी, मैं लेगा मेरा। देखो जेनी ये रही पीछे, देखो आई टीका स्टेशन आगे आने वाला है, अभी तो बहुत दूर है। यहाँ पर सड़क देखो, IIT का ये कितना ब्यूटीफुल बन गया है यार, IIT का ये पूरा, इनकी रील्स बन रही है। यहाँ पे क्रॉसिंग बंद है, गाड़ी निकल के गई, छोटा सा इंजन निकल के गया ना मिट्टी, छोटी सी गाड़ी निकल के गई ना, बहुत वेट करा रही है यार इनको। देखो रील्स बनाना है, बैठे हुए रील्स बनाने के लिए। तो इन्होंने रास्ते से ले लिया यू टर्न, क्योंकि अब ये बनवाने जा रहे हैं मेरी थ्रेडिंग। कह रहे हैं पहले थ्रेडिंग बनवा लो, देख लो इतनी चिंता होगी किसी को थ्रेडिंग बनवाने की, किसी हस्बैंड को नहीं होती होगी थ्रेडिंग बनवानी भी है कि नहीं बनवानी है, निकलवानी है कि नहीं निकलनी चाहिए ये भी नहीं पता, बट इनको देखो इतना पता है। ऐसा कुछ नहीं है, इनसे मैंने कल कहा था, अपना प्लान बताया था कि मुझे थ्रेडिंग बनवानी है, थ्रेडिंग बनवा दो। कल थर्सडे था तो कल मैं बनवा नहीं सकती थी, तो मैंने कहा आज फ्राइडे है, आज ही घर जाना था। मैंने कहा रास्ते में एक काम करेंगे, जब सामान वामान पूरा पैक कर लेंगे तो उधर साइड से चल देंगे, सामान ले लेंगे, इधर साइड से चल देंगे। आप दो मिनट खड़े होके वेट कर लेना, आप वेट करोगे बाहर मेरा मिट्टी। यहाँ तो बहुत सारा, चलो जैनी कहाँ गई, जैनी पीछे बाहर वो देख रही है, मिरर से बाहर खल गई वो मेरे थ्रेडिंग पार्लर जाने का रास्ता सोचो इतनी दूर आके पहले थ्रेडिंग बनवा रहे हैं तब घर जाएंगे। ये देखो, लेकिन मुझे घर में जाकर ना टाइम नहीं मिलेगा, और मुझे बहुत सारे काम है घर में जाके, मेकअप लुक कुछ निकालने हैं, तो इसलिए मैंने कहा थ्रेडिंग बनवा लेती हूँ फिर घर। कल 25 दिसंबर है ना, मम्मी क्या जा रहे हैं, हम लोग मम्मी क्या जा रहे हैं, मम्मी क्या, अरे वाह, चल मम्मी क्या चलते हैं। जैनू, जैनू जैनू से बोलना बेकार है, वरना वो आगे आ जाएगी ना। सो ये मैं पार्लर पहुंच चुकी थी, और यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग बन भी चुकी थी, मैं थ्रेडिंग बनने के बाद में कुछ बात करी थी यहाँ पर, और ये मेरे रेडनेस हो जाती है। और वैसे भी थ्रेडिंग के बाद में तो किया ही, मतलब लोशन तो लगाना ज़रूरी है, नहीं तो रेडनेस बहुत ज़्यादा मालूम पड़ती है, और थोड़ी बहुत ड्राइनेस भी लगने लग जाती है ना पाउडर की वजह से, तो इसीलिए। और यहाँ पे कुछ बात करी थी, क्योंकि ये जो है पार्लर वाली, तो इनसे बात अच्छे से होती है, और मतलब हाँ मतलब अगर जाती हूँ तो आधा घंटा से ज़्यादा मुझे लग जाता है बात करने में, बात होती रहती है ऐसे ही नॉर्मली। सो ये देखिए यहाँ पे बन चुकी है मेरी थ्रेडिंग जैसे मुझे चाहिए, क्योंकि ये मेरी थ्रेडिंग जो है, ये जिनका पार्लर है जिनके यहाँ मैं आती हूँ, ये इनको मेरा सेप पता है किस तरह से बनाना होता है, और अच्छे से बनाती हैं, मतलब मेरी पसंद की ही बनाती हैं, तो इसलिए मैं हमेशा यहीं आती हूँ, उन्हीं से ही बनवाती हूँ। नीचे नहीं बन चुकी है, यही मस्त आंखों ने ये कैसा ड्राइव कर डाला मिट्टी यहाँ बैठ के रील सुना, मिट्टी हो मिट्टी ही रेडा। जब मैं थ्रेडिंग बनवाने जाती हूँ ना, अगर ये लोग साथ में, अगर क्या ये लोग हमेशा साथ में आते ही हैं, तो ये लोग साथ में आते हैं तो ये लोग बैठ के यहाँ पर रील्स बनाते। जैनी पीछे बेचारी पप्पीज को देख के भौंक रही थी ना, वहाँ पर छोटे छोटे पप्पी थे, कितने छोटे थे, बहुत अच्छे लगते हैं इतने छोटे से पप्पी बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखो छोटा सा पप्पी मेरा रैबिट, ये मेरा रैबिट भी है, ये मेरे पप्पी भी है, ये मेरी काऊ भी है, सब कुछ है,
अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो मेरी थ्रेडिंग बन चुकी है और मम्मी के आधा ये देखो जैनी के डॉक्टर जहाँ पे जैनी को दिखाते हैं हम लोग। ये देखो जैनी के डॉक्टर है, जैनी के डॉक्टर ना जैनी को यहाँ पे सुई लगती है यहाँ पर। ये देखो जय जब से छोटी सी थी 15 दिन की थी शायद या 20 दिन की थी हम लोग लेकर आए थे इसको, तब से जैनी को हम लोग ये नहीं क्या ही दिखाते, मतलब इन्हीं के यहाँ से इसके सारे वैक्सीनेशन भी हुई है, इन्हीं के यहाँ से डॉक्टर के यहाँ से सब कुछ। मेरी क्रिसमस लिखा है, ओह शिट चले गए। चलो आपको कल दिखाएंगे ठीक है हम लोग। ठीक है कल चलेंगे हम लोग घूमी करने, कल दिखाएंगे आपको। ये देखो इनके डाटा कुछ निकालने वाले, सेंटा क्लॉज दिखाने जा रहे हो, किसी से गाने गा रहे देखो जरा। वाओ मेरी थ्रेडिंग बन गई, अब तो मैं मेकअप बनाऊंगी बढ़िया बढ़िया। ये तुम्हारी तो गाने को मैंने म्यूट पे लगा दिया है अभी, और अभी रास्ते में भी मेट्रो का डिपो आ गया है यहाँ पहुंची हूँ मैं अभी तक। ये देखो ये घर घर आने के तुरंत बाद ही निकल लिया मैंने घूमने, घूमने नहीं निकला है मतलब बोल सकते हैं घूमने नहीं जा रहे हैं, मिट्टी के लिए कुछ सामान लेने, मिट्टी के लिए क्या पढ़ाई के लिए लेने जा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई की चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब पढ़ाई ही सारा दिन घुसी रहती है। देख लो मेरे मुंह पे भी मास्क दिख रहा है, अभी तक मैं अपने घर से आई हूँ मास्क नहीं लगाया, बट इसको ना हर चीज़ को फॉलो करना होता है, जितने भी रूल्स होते हैं सारी चीज़ें फॉलो करके चलता है, मतलब कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा जो नहीं करने चाहिए, लीगल ऐसे काम नहीं करेगा, इसीलिए ऐसे काम बोले कि करते रहो उसको पहने रहो। तो मास्क मैंने पहन लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं मिट्टी के लिए बुक्स लेने, कोई पसंद की मतलब मुझे उसके लिए वर्कशीट वाली बुक लेनी है और प्री स्कूल वाली जो बुक्स होती है ना वो वाली लेनी है पढ़ाने के लिए उसको, क्योंकि वो सब है नहीं इसलिए। चलो चलते हैं हम लोग परेड, परेड में ही मिलेंगे तो वहाँ चल के मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं कि हम कौन सी बुक लेते हैं हम लोग। के लिए बुक मैंने ले ली है, दो वर्कशीट बुक ली हैं, एक में पूरे मतलब अल्फाबेट को रिटन वाला है और एक में दो ली है, एक रिटन वाली है पूरी बुक्स है और एक वर्कशीट है, एक ऑनलाइन वन है। अच्छा एक वर्कशीट है सिर्फ और एक ऑनलाइन वन है, हाँ दोनों ऐसी हैं अच्छी ली है, मतलब दोनों मैंने अपने एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी वाली भी है, तो ऐसी बुक मुझे चाहिए भी थी।
एक मैंने देखी थी ऑनलाइन बट वो वाली तो नहीं मिली है, ये सारी मिली है तो ले लिया। चलो अब घर में जाके उसको देखती हूँ उसके क्या एक्सप्रेशन होते हैं दिखने के लिए। तो चलते हैं घर, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा रश हो रखा है, बहुत सारी भीड़ हो रखी है क्योंकि रोड होती है। ये वाली घर, और ये घर से आने के बाद में देखो मतलब मार्केट से आने के बाद मम्मी देखो मेरे लिए क्या लेकर आई है। मम्मी मतलब एक लेकर रखी थी, ये कह रही थी कि आओ और देखो इसको, देखो कैसा लग रहा है। ये पता है कुछ इस तरह से है, खुल नहीं रहा है। हाँ ये देखो स्टॉल है इस तरह से, पहले एक मिनट बंद करा दूँ। ये देखो इस तरह से पूरा स्टॉल है, अच्छा लग रहा है ना। ये इतना सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा, ये देखो देखने में लग रहा है ना सॉफ्ट। इसको स्टॉल की तरह भी डाल सकते हो, उसके लिए प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊंगी अपने दूसरे वाले चैनल के लिए। इसको इस तरह से भी डाल सकते हो, इसको इस तरह से भी, दो तरह से, दो तीन तरह से डाल सकते हो। मैं तो इसको बहुत सारे तरह से डाल सकती हूँ, दिखाऊं? देखो इस तरह से, यहाँ पे ये दिया हुआ है यहाँ पर पिनअप करने के लिए, ये इस तरह से मैंने इसको डाल दिया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फिर डिज़ाइन हो गया इस तरह से, इस तरह से डाला है मैंने। और एक मैंने डाल लूँगी एकदम सिंपल तरह से, इस तरह से डाल लिया मैंने, ठीक है। अब एक थर्ड इसका जो राइट मतलब वे है वो है पोंचो, जो इसको पोंचो रियल में ये पोंचो ही है, इसको पोंचो बनाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फंसा दिया, और ये देखो बन गया पोंचो, अच्छा लग रहा है ना। इस तरह से स्कूटी भी आराम से चला सकते हो, बड़े आराम से बैठ सकते हो, अच्छा स्टाइल का मतलब मस्त है। और एक है गरम वाला स्टॉल जो होता है, ये देखो डीके ओसवाल, जो भी कानपुर के वो सभी इसे तो उल्टा ही दिखता है यार चीज। ये देखो डीके ओसवाल, जो कानपुर के जो भी हैं वो सब जानते होंगे कि डीके ओसवाल कहाँ पड़ता है ना, कहाँ पड़ता है इसमें लिखा है माल रोड तो है, वेस्कॉट बिल्डिंग, पहले ऐड भी आता था इसका, वेस्कॉट बिल्डिंग चार्टर्ड बैंक देमाल कानपुर, हाँ जो क्राइस्ट चर्च स्कूल है ना उसके पास पड़ता है, क्राइस्ट चर्च कॉलेज के पास। ये गरम वाला स्टॉल, ये देखिए मस्त लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। क्या लिखा है इसमें, प्राइस लिखे हैं क्या? हाँ ये मेरा था 645 का ये वाला स्टॉल है, और ये वाला जो स्टॉल है वो है इसकी स्लिप कहाँ गई, इसमें लिखा था शायद इसकी स्लिप इसमें लिखी है 1395, देखिए 1395 का। तो चलो हम लोग घर पहुंच गए हैं, मैं लेकर आई हूँ अमरूद बहुत सारे अपने पैरट को देने के लिए, पैरट को बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लॉग कमेंट करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस, ठीक है।